ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज आप सभी सुनना चाह रहे हैं कि साकार बाबा के साथ का अनुभव। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं रात को 10:30 बजे बाहर लान में बाबा के कमरे के बैक साइड जो है ना दरवाज़ा जहाँ से आप लोग प्रवेश करते वहाँ पे मैं चक्कर लगा रही थी। तब सीमेंटेड नहीं था, पथरीली जगह थी। तो बाबा रात को निकल पड़े, मुझे डर लगा कहेंगे सब तो अपने अपने रूम में सो रहे हैं, ये क्या कर रही। और रूम भी कोई ज़्यादा नहीं था, जो बाबा का रूम है उसके पीछे जो है उसी हॉल में 8-10 खटिया थी, हम 10 बहनें रहती थी जिसमें सती, भोली दादी, लक्ष्मण मना सब उसी में रहते थे, उसी में खटिया हमें मिली थी। तो फिर हमको डर लगा कि बाबा कहेंगे ये कमरे से बाहर रात को क्यों चक्कर लगा रही, अंदर धड़कन थी। तो बाबा ने पूछा तो दबी जबान से हमने कहा बाबा अंदर गर्मी लग रही थी, पंखा वगैरह नहीं था और मच्छर भी काट रहे थे। इतना मेरा कहना, तो तब वो चट्टी पहनते थे जिसको चाकड़ी कहते, खड़ाऊ नहीं पट्टे वाली हम सब लोग पहनते थे। तो आने का बच्ची है मेरी चाकड़ी अंदर रखे और मेरा चप्पल उठा लाओ, मेरे जान में जान आ गई कि डांट नहीं पड़ेगी। फिर बाबा ने मेरा हाथ पकड़ के इधर देखा जहाँ टेलीफोन एक्सचेंज है, उधर देखा जहाँ टोली डिपार्टमेंट, सब जगह बाबा ने रात को देखा। देखने के बाद बाबा ने कहा बच्ची सबसे सेफ जगह तो मेरे गेट के बाहर है, कल तुम्हारा इंतजाम कर देंगे, मक्की और गर्मी कुछ नहीं तर गए। तो हम सोच ही नहीं पाए क्या मेरा इंतजाम करेंगे। तो हिस्ट्री हाल की दीवारों में चौखट खिड़कियों के फिट हो रहे थे, चुनाई में साथ में फिट कर देते हैं। तो बाबा ने क्लास के बाद में इलाहाबाद के एक भाई थे रविदत्त भाई, वो इस कार्य को देख रहे थे, तो कहा रविदत्त ऐसा करो मेरे बच्ची को जो ना गर्मी लगती है, तुम ये सब छोड़ दो, कारपेंटर से पहले तो 4 पहिया बनाओ। और वो बांस काट करके पलंग बनाया, खटिया और निवाड़ का पट्टा है उसे खटिया बनेगी, और जो टेंट रखा है ना उसको लगा दो यहाँ पे, छोटा सा 18x18 का टेंट था, मेरे गेट के आगे लगा दो। तो शाम तक टेंट लगा और खटिया बनी, खिड़की दरवाजे नहीं बनाए गए रहे। तो सब कहें वाह बड़ी राजकुमारी जी हैं, सब काम बंद होके इनका काम हो रहा है। और मुझे भी नशा था कि देखो बाबा मेरे लिए प्रबंध कर रहे हैं। और बाबा ने जब रात को सोए तो बाबा ने आके कहा बच्ची डरना नहीं, बाबा से ही सोता है, जब कोई बात हो तो एक्शन करके दिखाया। बड़े जोर से कहना बाबा मैं आ जाऊंगा, तुम डरना नहीं। तो बाबा फिर चक्कर लगाने